जीतने वालों को मेरा सलाम। जब वे लंदन जाने के लिए बस पकड़ने वाले थे, तब आंखों के सामने अंधेरा छा गया और एक बिजली खौंदी। उन्होंने देखा कि सांप अपनी पूंछ खा रहा है। वे दिन भर उस अजीब दृश्य के बारे में सोचते रहे। ये बात उन दिनों की है जब 1825 में कोयले के टार से बेंजीन की खोज हो चुकी थी। ये भी पता कर लिया गया था कि एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, लेकिन अभी रेजोनेंस की खोज 100 वर्षों दूर थी। इसका पता किसी को नहीं था कि ये एटम्स आपस में जुड़े कैसे हैं, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन फिर भी बड़े से नाम वाले जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक वॉन स्टैटोनिट्ज़ जानना चाहते थे कि आखिर बेंजीन का मॉलिक्यूल संभव कैसे है। हिट एंड ट्रायल मेथड से वे सालों एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन कोई थियोरेटिकल फार्मूला लैब रिजल्ट से मैच नहीं होता। फिर एक साल थककर उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से मदद मांगी और सो गए। अगले दिन से दूसरे काम में व्यस्त हो गए। फिर कुछ दिनों बाद जब वे लंदन जाने के लिए बस पकड़ने वाले थे, तब आंखों के सामने बिजली खौंदी। उन्होंने देखा कि एक सांप अपनी पूंछ खा रहा है और चक्री की तरह गोल गोल घूम रहा है। दिन भर उस अजीब दृश्य के बारे में सोचते रहे। लैब वापस आने के बाद उन्होंने अपनी रिसर्च की दिशा बदल दी। इससे पहले वे लीनियर स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे, अब उन्होंने सर्कुलर स्ट्रक्चर पर काम करना शुरू किया और जल्द ही बेंजीन रिंग की खोज की। बहुत साइंटिस्ट जैसे आइंस्टाइन, मार्कोनी, टेस्ला साहब ना केवल सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करते थे, बल्कि देश, काल, टेक्नोलॉजी से परे सवालों के जवाब के लिए इसका इस्तेमाल भी करते। सबकॉन्शियस माइंड इम्पर्सनल माइंड है, मतलब इसकी शक्ति आप तक सीमित नहीं है। इसके पास अनंत अनुभव है, विजडम, बुद्धि और शक्ति है। एक बार सबकॉन्शियस माइंड ने किसी आइडिया को सच मान लिया, तो वो उसे पूरा करने के लिए सारे यूनिवर्सल लॉस को अपने हिसाब से चला देता है। जब हम एक बार तय कर लेते हैं कि हमें ऐसा करके ही रहना है, तो अपने आप हर जगह से आइडियाज आने लगते हैं। इसके साथ जब हम एक के बाद एक एक्शंस लेते हैं, तो सॉल्यूशंस और मदद आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। कई बार जवाब जल्दी मिलते हैं और कई बार लंबा चक्कर लगा के आते हैं, लेकिन एक बार सबकॉन्शियस माइंड तक संदेश पहुंच गया तो जवाब मिलकर रहता है। तो सवाल ये है कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। अवचेतन मन की अद्भुत ताकत का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब आप खुद मन और विचारों को दिशा देना जानते हैं। हम जो भी विचार आदतन सोचते हैं, ये हमारे अवचेतन मन में उतर जाते हैं और फिर वही भावना हर दूसरे विचारों और जीवन में प्रकट होने लगती है। यहाँ आदतन शब्द बहुत कीमती है। अगर आप किसी एक बात को लेकर चिंता करते हैं, तो जिन बातों के प्रति आपको एक्साइटेड होना चाहिए, तो उनके प्रति भी आपका पहला रिएक्शन चिंता या परेशानी का होगा। यानी आपके इमोशन का मुख्य रंग चिंता हो जाएगा। आप जिस तबीयत के, जिस तरह के विचार अपने कॉन्शियस माइंड में रखते हैं, वैसा ही सबकॉन्शियस माइंड भी प्रोसेस करने लगता है। अब विचारों के लिए क्या करें? पहले तरीके की बात करते हैं। आप पूरे दिन अपने मन में एक विचार तो रोक के नहीं रख सकते। अगर रोक गए तो आप अगले बुद्ध, रूमी या महान योगी बन जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे मन में सामर्थ्य और शांति देने वाले विचार बार बार आए और ज़्यादा देर तक रुकें। इन शक्ति देने वाले विचारों के लिए हमारे पास अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड है, और मन शांत और एकाग्र करने के लिए, मतलब इन विचारों को देर तक रोके रखने के लिए, हमारे पास प्राणायाम और विजुलाइजेशन है। इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने का एक और असरदार तरीका है सजेशन, जिसकी डेफिनेशन में ही पूरी कहानी छिपी हुई है। सजेशन इज एन आइडिया पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन, या फिर समथिंग दैट इम्प्लाइज और इंडिकेट्स अ फैक्ट। कॉन्शियस माइंड आपके मन का चौकीदार है। जब कुछ आर्ग्यूमेंट आपके अनुभव और समझ के हिसाब से सही नहीं बैठते, तो कॉन्शियस माइंड उन्हें तत्काल रिजेक्ट कर देता है। लेकिन सजेशन और सुझाव आपको मुंह पर चुनौती नहीं देता, बल्कि एक बात आपके ध्यान में लाई जाती है, और अगर आप सावधान नहीं हैं, तो कॉन्शियस माइंड से बचकर ये बात अंदर जा सकती है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है डिओड्रेंट के एडवर्टीजमेंट्स, जिसमें आपको सुझाव दिया जाता है, यानी बिना बोले दिखाया जाता है कि ये वाला डियो लगाओ और लड़कियां पास बुलाओ। ये बात फैक्ट की तरह नहीं बताई जाती, इसलिए ये बात कॉन्शियस माइंड में उतर जाती है और हम अनजाने में वही ब्रांड वाला डियो लेते हैं। सबलिमिनल मार्केटिंग इससे भी खतरनाक होती है, जो बिना एडवर्टीजमेंट दिखाए सबकॉन्शियस माइंड को, यानी सीधे आपकी डिसीजन मेकिंग, निर्णय शक्ति को प्रभावित करती है, जहाँ से एक्शन शुरू होते हैं।
इसलिए सबलिमिनल मार्केटिंग कई देशों में बैन की गई है। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। यूजेस ऑफ सजेशन। पहली प्रैक्टिकल बात है कि बहुत लोग आपका कॉन्फिडेंस गिराकर आपको प्रभावित करने के लिए सजेशंस का इस्तेमाल करते हैं। वे आपसे पार्टी में कहेंगे, तबीयत तो ठीक है ना, बहुत कमज़ोर दिख रहे हो, और आप सच में महसूस करने लगेंगे कि हाँ यार, थोड़ा थका हुआ तो हूँ मैं आजकल। और पार्टी जैसी स्थिति में जहाँ आप लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहते हो, हम उनके प्रभाव में आ जाएंगे और अपनी चमक खो देंगे। इस स्थिति से कैसे बचें? आपके पास यह सावधान होने की चॉइस है कि हर फैक्ट हमारे लिए सुझाव है। अगर इस सुझाव के बारे में सोचकर हमें चिंता होती है तो तत्काल इसके बारे में सोचना बंद कर दें। दोस्तों, हम सजेशन का उपयोग लोगों को ऊपर उठाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको जूनियर, छोटे भाई या अपने कलीग की तारीफ करनी है तो सीधे मत बोलिए, बल्कि यार तुमने ऐसा करना कहाँ से सीखा, बहुत गजब करते हो, लगे रहो। सबकॉन्शियस माइंड को तो सिर्फ आइडिया चाहिए काम करने के लिए, इसलिए मेरे अनुभव में सीधी की गई तारीफ से सुझाव देना ज़्यादा असरदार होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर नोट्स लिखते चलिए और जीवन में उतारते चलिए, क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड पर लंबी प्रैक्टिकल सीरीज देखने वाले हैं। दोस्तों, हमने वीडियो में अफर्मेशंस की बात की है। डेली अफर्मेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएंगी। साथ में अफर्मेशन कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे अपने लिए बनाते हैं, उस पर वीडियो ज़रूर देखिए। आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड रीसेट करने में बहुत मदद मिलेगी। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।